अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल। ये मूंग दाल की रेसिपी बहुत ही इजी है और आप इसको इजीली रेडी कर सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए हमें मूंग दाल आधा किलो, जिसको हमने एक घंटे पहले भिगो दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 1.5 लीटर पानी। पहले दाल भिगोने से ये है कि दाल खिली खिली पकती है। अब हम इसमें 1.5 लीटर पानी डालेंगे और हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें नमक, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये सारे मसाले डालकर अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसको पकने के लिए रख देते हैं। हम इसको 20 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक हमारी दाल गल जाए। 20 मिनट के बाद हमारी दाल गल चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे टमाटरों का पेस्ट 1 प्याली। अब हम इसको 5 मिनट और पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम दाल के लिए तड़का रेडी करते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 4 टेबलस्पून ऑयल। इस ऑयल में हम डालेंगे 1 प्याज स्लाइस्ड। अब हम इसको ब्राउन करेंगे, जब कि लाइट ब्राउन हो जाएगी इसमें डालेंगे जीरा 1 टेबलस्पून भर के। इसको फ्राई करेंगे। अब इसमें डालेंगे रेड चिली साबुत 8 से 10 अदद। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, इसको ज़्यादा काला नहीं करना। अब इसमें डालेंगे हम अदरक बारीक कटा हुआ 1 छोटा टुकड़ा। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमारा तड़का रेडी है। अब हम इस तड़के को दाल के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए कितनी खूबसूरत और मज़े की लग रही है। अब इस पर हम डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ और हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। हमारी दाल रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।